यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कई बड़े दिग्गजों ने शिरकत की, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के अलावा भी कई दिग्गज मौजूद रहे। ये मेडिकल कॉलेज 206 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वही उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में योजनाएं बनकर तैयार भी हो जाती हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय में काम पूरा होना तो दूर की बात, शुरू भी नहीं हो पाता। कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में है, उसका विशेष योगदान रहा। हिमाचल की धरती से जगत प्रकाश नड्डा जी संबंध रखते हैं, केंद्र में इस विभाग के मंत्री हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान। छोटा सा प्रदेश, 6 मेडिकल कॉलेज और 6 में से 3 मेडिकल कॉलेज जो है वो अभी ताज़ा तरीन जो है वो हमारे बीच में, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे वो मंडी की बात है, चाहे वो हमीरपुर की बात है, और उसके साथ हमारा नाहन का मेडिकल कॉलेज है, और ये 4 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार की देन है। आपने देखा होगा ना, मशीन में 2 बटन होते हैं, एक हरा होता है, एक लाल होता है। हरा दबाओगे तो मशीन चल पड़ेगी और लाल दबाओगे तो रुक जाएगी। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी का। हरा दबाओगे तो चलते रहोगे, लाल दबाओगे तो रुक जाओगे। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये हम नहीं, ये आप तय करते हैं कि आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए। हम तो माध्यम है,